ये मैन ऑफ 50 kg इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट 10 मीटर एबव द फ्लोर। ठीक है, अगर एक फ्लोर है, चलो मान लो एक हम लोग पास एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ठीक है, लेट अस कंसीडर इट फ्लोर है हम लोग के पास, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से, ठीक है, इस फ्लोर से आदमी जो है, ए मैन 50 kg स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट 10 मीटर एबव द फ्लोर, ये 10 मीटर हाइट है और यहाँ पर एक आदमी है यार, ठीक है, द मैन इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और आदमी का मास जो है वो 50 kg है, ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, देयर इज ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब ये है कि इस पर कोई ग्रेविटी नाम का कोई फोर्स लग नहीं रहा यार, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर इस पर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो अगर मैं ग्रेविटी को हटा दूं तो इसको मैं छोड़ूंगा यहीं पे, यहीं रह जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक है, समझ लो हवा में लटका हुआ है आदमी, इस तरह से हवा नहीं है, एयर कुछ नहीं है, ठीक है, तो ही थ्रो ए स्टोन 0.5 kg डाउनवर्ड विथ स्पीड 2। अब ये आदमी क्या करेगा, एक स्टोन फेंकेगा नीचे, ठीक है, इसके हाथ में एक स्टोन है और वो स्टोन नीचे फेंका और स्टोन का मास 0.5 है और इस स्टोन की वेलोसिटी 2 m/s है, ठीक है, तो डाउनवर्ड, देन द स्टोन विल रीच द फ्लोर, व्हेन द स्टोन विल रीच द फ्लोर डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर। अब आपको पता है कि अगर आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से, मान लो मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में हूँ, सेटेलाइट में हूँ, ठीक है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट में हूँ, तो अगर मैं इस पेन को इधर फेंकूंगा, ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया इस पेन पे इधर ना, तो पेन आगे जाएगा और पेन जितना फोर्स लगाएगा वो मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है, तो अगर ये आदमी बॉल को नीचे फेंकेगा तो आदमी ये ऊपर जाएगा, ठीक है, आया समझ में, तो अगर मान लो जब बॉल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब बॉल, जिस बॉल को फेंका था वो बॉल यहाँ आ गया, तो ये इनिशियल पोजीशन है और आदमी यहाँ चला जाएगा, ठीक है, आदमी जैसे ही बॉल फेंकेगा आदमी इधर जाएगा, बॉल नीचे आएगा, ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आदमी की हाइट निकालनी है फ्लोर से, आदमी की हाइट निकालनी है फ्लोर से, ठीक है, दिस इज द मैन, तो आदमी की हाइट अगर मैं फ्लोर से निकालूं प्यारे बच्चों, तो ये मैं मान लेता हूं x है, ठीक है, और यहां ओरिजिन सेट कर देता हूं 0,0,0, ठीक है, तो आप इसको सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास अपना पाथ मोशन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए होंगे सेंटर ऑफ मास में। तो इसका एक्चुअल, जब ये दोनों इसके यहाँ पढ़ते हैं, तो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, तो एक्स सी एम इनिशियली एक्स सी एम ओरिजिन पे था 0,0, ये सर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर था, उसके बाद जब इसको फेंका तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ये मान लो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, लेकिन अब लिखोगे फार्मूला m1x1 + m2x2 होता ना, लिखे हो और डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है, फाइनल सेंटर ऑफ मास ये इक्वेशन बना। तो अब मैं इसकी वैल्यू डालूं तो m1, मैं ऊपर पॉजिटिव ले लेता हूं, तो आदमी का मास कितना है 50 kg, आदमी ऊपर गया x, ठीक है, बॉल नीचे आया कितना, बॉल का मास है 0.5 और बॉल नीचे आया x कोऑर्डिनेट 10 नहीं -10 ना, बॉल नीचे आया -10 क्योंकि ऊपर मैं पॉजिटिव ले लिया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस, तो 50 और प्लस 0.5, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इक्वेट इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कर दोगे तो ये जीरो हो गया, ये 50 = और ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस ये 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि x = 0.1, मतलब जो आदमी है वो 0.1 मीटर ऊपर गया होगा
इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल से पॉइंट वन। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछा वो फ्लोर से पूछा प्यारे बच्चों, यहाँ से पूछा है फ्लोर से आदमी कितना ऊपर है, तो फ्लोर से तो 10 मीटर पहले था और 0.1 मीटर ऊपर गया, तो फ्रॉम फ्लोर तो फ्लोर से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्लोर से आ जाएगा वो 10 + 0.1 दैट इज 10.1 मीटर द फाइनल सोल्यूशन है फ्लोर से 10.1, मतलब बी ऑप्शन।